वालेकुम नाज़रीन, सीसीएन चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। एक नजर डालते हैं आज की तफसील। राजा सिंह पुलिस के ऊपर इल्जाम जो लगा है कि पुलिस वाले उन पर हमला करके घायल करे, वो पूरा सरासर झूठ है, क्योंकि वो हम लोग वहाँ थे, पूरे पुलिस वाले 100 के करीब हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, एसीपी गोशामल, एसीपी आसिफ नगर और कई एडिशनल डीसीपीज भी वहीं पे थे। जब 25 फीट के रानी अवंतीबाई का स्टैचू लेके आके पुराने स्टैचू के जगह नया स्टैचू लगाने की वो जो कोशिश करे, उसी सिलसिले में हमारे पुलिस वाले इन्फॉर्मेशन पे वहाँ पे पहुँचे और जो ये इलीगल एक्ट वो कर रहे थे, क्योंकि बगैर परमिशन पे इंस्टॉल करना चाह रहे थे, तो पुलिस वाले अपोज करे, तो उसमें राजा सिंह और उनके साथी करीब 200 लोग हमारे पुलिस कई ऑफिसर्स पे हमला करे, उनको धक्का मुक्की, उसमें थोड़े हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी घायल हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि सवेरे राजा सिंह मिले, पुलिस वाले खुद उनको हमला करे और उनके सर पे घायल हुआ करके बोले, वो बिल्कुल झूठ है। आप वीडियो एक उनका जो रात में रिकॉर्ड किया गया वो वायरल हो रहा, उसमें भी आप देख सकते हैं कि राजा सिंह के एमएलए के हाथ में एक पत्थर है, ग्रेनेड का पत्थर है, वो खुद अपने सर पे मारे वैसा भी दिख रहा है उसमें, शायद उनका वो जो इंजरी है उसी के वजह से हुआ है। सर, इसके ऊपर कोई पुलिस पे जो हमला हुआ उस पर कुछ एक्शन लेंगे सर आप लोग? हाँ बिल्कुल, एफआईआर इशू हुआ। कितने लोगों अरेस्ट हुए सर? कल अरेस्ट तो नहीं करे, एफआईआर इशू हुआ, अरेस्ट करेंगे जरूर, इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट करेंगे, उसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व है, तो जो पुलिस वाले के जो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे उनके बीच में आए, उन पे हाथ लगाए, उन पे हमला करे, ये सब जो एक्ट है उसके लिए डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके सब लोगों का अरेस्ट करेंगे। 2 बजे मूर्ति लगाना क्या जरूरत है? तब वो लगाए, वही तो हमारा बोलना था, जब आप परमिशन लेके करते, लीगल कर रहे आप समझते, तो आप परमिशन लेके दिखा के पूरे मतलब पूरे डिपार्टमेंट्स के मतलब इसमें जो लगा सकते थे दिन में, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो रात के 2 बजे लगाना गलत है, क्योंकि उसमें पुलिस वाले भी अलर्ट नहीं रहते, तो ये सब सोच के शायद वो लोग लगाने की कोशिश करें। तो पहले कितने फीट का था स्टार्ट जी हुआ? पहले मेरे ख्याल से वो 10 फीट के करीब था, अभी वो 25 फीट के ऊपर है। तो जो बड़ा लगाने की क्या वजह है सर? तो पुराना खराब हो गया, हम लोग उसके जगह नया लगाना चाह रहे करके उनका बोलना है, तो अब जो भी है, लेकिन वो जीएचएमसी है, एक कमिटी है, उसके जरिए आके वहाँ अप्लाई करके उसका पूरा वैलिड परमिशंस के साथ लगाने से कोई एतराज नहीं है किसी को, हम भी साथ देते डिपार्टमेंट वाले, लेकिन ऐसा लगाना और बोलना कि पुलिस वाले को इसका क्या रोल है, डेफिनेटली जब इलीगल एक्ट हो रहा पुलिस वाले नहीं तो और कौन उसका सेफगार्ड करेंगे सोसाइटी का, जरूर हम लोग कहीं भी इलीगल एक्ट होता तो हम लोग रहेंगे उसका अपोज करेंगे। सर ये 25 फीट का बना के जो रखे थे ना, कहाँ पर रखे थे भले? ये कहाँ बना मेरे को नहीं मालूम, लेकिन था लेके आके लोध भवन में था ये। तो आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे ये लगाना, किधर लगा रहे क्या लगा? लोध भवन में तो प्राइवेट एरिया है उनका, ये पब्लिक प्लेस है जिधर लगाना जा रहे थे, लोध भवन तो प्राइवेट एरिया है। अब अपने घर में, घर के अंदर अपन कौन सा मूर्ति लगाते, किसका मतलब है, कोई कुछ अपोज नहीं कर सकता ना। बाहर जब पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में लगाना विदाउट परमिशन इलीगल है। कौन ये जो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट किसकी वजह से हुआ है टोटली इशू? ये पूरा राजा सिंह के नेतृत्व में हुआ, तो राजा सिंह और जिसके इतने साथी थे वो सब मिलके करे। सेक्शंस क्या रहेंगे सब? तो इसमें मेनली 353 मतलब पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी जिसके थे उन पर हमला करना, वो मेजर सेक्शन है, और 153 क्लॉस 2 मतलब वो प्रोवोक करना अपने साथियों को किस तरह का काम, इलीगल काम करने के लिए, वो सेक्शन भी सीरियस सेक्शन है। सो इधर 2 सेक्शन के तहत FIR दर्ज हो। इसी के साथ सीसीएन न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचता है, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।